आज दिल्ली सरकार ने एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला लिया है और मैं दिल्ली के दलितों दलित समाज के लिए, एसटी समाज के लिए, ओबीसी समाज के लिए, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी लेके आया हूँ। दिल्ली में एक हमने 2017 में स्कीम चालू की थी, मुख्यमंत्री जय भीम योजना। उस योजना के तहत हम दलित, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस समाज के लोगों को, उनके बच्चों को कोचिंग करने के लिए हम मदद करते थे। हमने स्कीम निकाली थी कि 12वीं के बाद या ग्रेजुएशन के बाद अगर कोई कम्पिटिटिव एग्जाम देता है बच्चा, इंजीनियरिंग के लिए, मेडिकल के लिए, रेलवे के लिए, नौकरी के लिए, यूपीएससी के लिए, कोई भी वो देता है, अगर कोचिंग में एडमिशन लेता है तो उसको दिल्ली सरकार उसका कोचिंग का सारा खर्चा देती थी। और बाद में हमने उनको 2500 रुपये महीना भी देना चालू किया था। मेरे जेल जाने के बाद ये बिल्कुल ठप हो गई स्कीम, इसको ठप कर दिया गया, जानबूझ के इसको ठप कर दिया गया। लेकिन आज मुझे बेहद खुशी है, पूरे दलित समाज को, ओबीसी समाज को, ईडब्ल्यूएस, हमारे गरीब भाइयों को बताते हुए कि आपके बच्चों के लिए आज दिल्ली सरकार ने इस स्कीम को दोबारा चालू कर दिया है।